दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का औसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो दोस्तों आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक एक करके हम आपको तमाम इन बड़ी खबरों के बारे में जानकारियां देंगे, पर उससे पहले आपसे एक निवेदन है दोस्तों, अगर आपको आज का मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज अच्छा लगे तो जल्दी से इसको एक लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। तो अब जान लेते हैं आज की जो पहली बड़ी खबर है वो क्या निकल कर आ रही है। यह पहली बड़ी खबर मैं आपको बता दें कि कमलनाथ के इस्तीफे के बाद नई सरकार के गठन तक स्थगित हुई विधानसभा। जी हम बात करें कि मध्य प्रदेश में वैसे तो आज विधानसभा में बहुमत परीक्षण होना था, जिसमें ये तय होना था कि कमलनाथ सरकार के पास बहुमत है या नहीं, लेकिन कमलनाथ के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते ही विधानसभा में बहुमत साबित करने को लेकर जो वक्त तय किया गया था उसका कोई मतलब नहीं रहा। और इसी वजह से जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधानसभा के स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकालीन वक्त के लिए स्थगित कर दिया। और आपको बता दें कि 2 बजे जैसे ही विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई, विधानसभा के ने सदन में आकर बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार विधानसभा की कार्यवाही सुनिश्चित की गई है और इस कार्यवाही के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत परीक्षण कराने का आदेश दिया था, लेकिन अब जबकि मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो ऐसे में बहुमत परीक्षण की कार्यवाही का कोई मतलब नहीं बचता, लिहाजा विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जा रही है। और अब अगली खबर बता दें कि बिहार में तेजस्वी के डोमिसाइल नीति पर आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने, और आरजेडी ने कहा विरोध करने वाले जल जाएंगे। जी हम बात कर रहे हैं कि बिहार में कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर महागठबंधन में पहले से दरार है और अब चुनावी मुद्दों की राजनीति पर महागठबंधन में तकरार शुरू हो गई है और कांग्रेस ने कहा कि वह किसी डोमिसाइल नीति का समर्थन नहीं करती है। और तेजस्वी यादव ने बिहार में बेरोजगारी हटाओ यात्रा के क्रम में कहा है कि उनकी सरकार आई तो वह बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। यह आरजेडी का बड़ा चुनावी मुद्दा है और इस पर कांग्रेस ने इसे न सिर्फ खारिज कर दिया बल्कि इसे बिहार के लिए खतरनाक बताया है। और वहीं आरजेडी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि जो पार्टी इसका विरोध करेगी वह बर्बाद हो जाएगी। और कांग्रेस नेता और एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने आज साफ किया है कि यह उनका अपना विचार है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी का मानना है कि इस देश के लोगों को इस बात का हक है कि वे अपनी पढ़ाई लिखाई रोजी रोटी रोजगार के लिए देश के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं और उसको ये संवैधानिक अधिकार है। और अब बता दें कि कमलनाथ के इस्तीफे के बाद उनके घर जाकर शिवराज सिंह चौहान ने की मुलाकात। जी आपको बता दें कि बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता कमलनाथ से उनके आवास पर मुलाकात की और इस मुलाकात की तस्वीर में दोनों नेता मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि गुरुवार को कमलनाथ ने बहुमत परीक्षण से पहले इस्तीफा दे दिया था और वही खबर है कि मध्य प्रदेश बीजेपी के विधायक दल की बैठक आज हो सकती है। गौरतलब है कि शुक्रवार को मध्य प्रदेश के सियासी संग्राम में आखिर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और सीएम कमलनाथ ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना इस्तीफा देने की घोषणा की और इस दौरान कमलनाथ ने बीजेपी पर लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि कमलनाथ ने कहा कि किस प्रकार से बीजेपी के द्वारा करोड़ों खर्च कर ये खेल खेला गया, पूरा प्रदेश ये देख रहा है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि एक महाराज के साथ कुछ लोभी विधायकों ने ये खेल खेला। और भावुक होते हुए कमलनाथ ने कहा कि मेरा क्या कसूर था, मेरी क्या गलती थी। कमलनाथ ने कहा कि जब मैं केंद्र में था तब मैंने प्रदेश की बहुत मदद की, मुझे जनता ने 5 साल का मौका दिया था और प्रदेश को नए रास्ते में लाने के लिए मेरा क्या कसूर था, मैंने हमेशा विकास में विश्वास रखा। पर अब अगली खबर में आपको बता दी कि कमलनाथ सरकार के इस्तीफे के बाद जानिए क्या है मध्य प्रदेश का सियासी समीकरण। जी हम बात करें कि मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से चल रहे राजनीतिक ड्रामे में पहले अध्याय का आज पटाक्षेप हो गया है और कमलनाथ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने इस्तीफे का ऐलान किया और इसके बाद वे सीधे राज्यपाल लालजी टंडन के पास पहुंचे और अपना इस्तीफा उन्हें सौंप दिया। दरअसल गुरुवार को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने 5 बजे से पहले फ्लोर टेस्ट कराने का निर्देश दिया था, उसके बाद कांग्रेस खेमे ने अपने हथियार डाल दिए और गुरुवार रात को ही कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया था और इनकी इस घोषणा के बाद से ही साफ हो गया था कि वे अपना इस्तीफा सौंप देंगे और हुआ भी ऐसा ही। आपको बता दें कि कमलनाथ के इस्तीफे के बाद सवाल खड़ा होता है कि अब प्रदेश में किसकी सरकार होगी। कमलनाथ के इस्तीफे के तुरंत बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने तमाम विधायकों को शाम को अपने घर में रात्रि भोज के लिए निमंत्रित किया है और इसके साथ ही उन्होंने गुरुवार को अपने
ने सत्यमेव जयते के ट्वीट को रिट्वीट किया और गुरुवार को चौहान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सत्यमेव जयते ट्वीट किया था और इसके साथ ही उन्होंने एक ट्वीट के जरिए साफ इशारा कर दिया है कि वे प्रदेश की कमान संभालेंगे। और चौहान ने ट्वीट करके लिखा है, प्रभु मध्य प्रदेश पर अपनी अनंत कृपा बरसाओ, जगत का कल्याण करो, मध्य प्रदेश बढ़े, जनता का कल्याण हो, यही है कामना। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि कॉमेडियन कुणाल कामरा की एयरलाइंस बैन के खिलाफ याचिका को एचसी ने किया खारिज। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉमेडियन कुणाल कामरा की एयरलाइंस के खिलाफ बैन याचिका को खारिज कर दिया है और हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस तरह का व्यवहार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल जनवरी के महीने में कुणाल कामरा इंडिगो एयरलाइंस से यात्रा कर रहे थे कि उन्होंने एक पत्रकार के साथ गलत व्यवहार कर वीडियो बनाया था, जिसके बाद इंडिगो एयरलाइंस ने कुणाल कामरा प्रतिबंध लगा दिया था। आपको बता दें कि वही कुणाल कामरा का इस तरह का व्यवहार को देखते हुए गो एयर, विस्तारा समेत अन्य एयरलाइंस ने प्रतिबंध लगा दिया और विस्तारा एयरलाइंस ने कॉमेडियन कुणाल कामरा पर 27 अप्रैल तक बैन लगाया हुआ है। और अब बता दें कि सीएम कमलनाथ के इस्तीफे के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का ट्वीट, सत्यमेव जयते। जी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक मध्य प्रदेश में शाम 5 बजे फ्लोर टेस्ट होना था, लेकिन उससे पहले सीएम कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस्तीफे का ऐलान कर दिया और उन्होंने अपना त्याग पत्र राज्यपाल लालजी टंडन को सौंप दिया था। और अपनी प्रेस वार्ता में उन्होंने बीजेपी पर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि राज्य में बीजेपी को 15 साल मिले थे, जबकि मुझे अब तक सिर्फ 15 महीने मिले हैं और 2.5 महीने लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गुजरे। इन 15 महीनों में राज्य का हर नागरिक गवाह है कि मैंने राज्य के लिए कितना काम किया है, लेकिन बीजेपी को ये काम रास नहीं आए। और साथ ही कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी ये ना भूले कि कल सबका आता है। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट में सत्यमेव जयते लिखा और आपको बता दें कि कमलनाथ के प्रेस वार्ता के बाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए एमपी के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्विटर पर लिखा कि मध्य प्रदेश में आज जनता की जीत हुई है। मेरा सदैव ये मानना है कि राजनीति जनसेवा का माध्यम होना चाहिए, लेकिन प्रदेश सरकार इस रास्ते से भटक गई थी। सच्चाई की फिर विजय हुई और सत्यमेव जयते। और दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि पंजाब की राजधानी कहाँ है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अब बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ की सरकार अपने विरोधियों के कारण गिरी है। जी हम बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कई दिनों से चल रहे सियासी नाटक कमलनाथ सरकार की विदाई के बाद थम गया है और सीएम कमलनाथ ने आखिरकार पद से इस्तीफा देकर राज्य में बीजेपी की सरकार बनाने का रास्ता साफ कर दिया। और कमलनाथ सरकार के गिरने और आगे बीजेपी की सरकार बनने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा है कि जब विधानसभा चुनाव के परिणाम आए तब सीटों का अंतर ज्यादा नहीं था और उन्होंने कहा कि सरकार बनाने के मत में होते तो हम पहले ही सरकार बना सकते थे, लेकिन हमें तब वोट ज्यादा मिला और सीटें कम मिली तो हमने तय किया कि कांग्रेस ही सरकार चलाए, हमने सरकार को अस्थिर करने की कोशिश नहीं की। और उन्होंने कहा कि बहुमत तो कांग्रेस के पास भी नहीं था, लेकिन हमने तय किया कि सरकार अस्थिर नहीं करेंगे और ना सरकार गिराएंगे, मगर कांग्रेस के अपने अंत विरोधियों से अगर सरकार गिर जाए तो हम क्या कर सकते हैं। आपको बता दें शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगर सरकार गिरी है तो ये कांग्रेस के अंत विरोध के कारण ही गिरी है और उनका परफॉर्मेंस बहुत खराब था और कांग्रेस के लोग ही असंतुष्ट हो गए हैं, जनता त्रस्त और परेशान हो गई है, वादे नहीं निभा रही और हमारी सरकार की सारी योजनाएं बंद कर दी, अगर उनका अपना ही घर नहीं संभलता तो हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें और हमारी पूरी न्यूज़ को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। और अब बता दें कि रंजन गोगोई के शपथ के दौरान राज्यसभा में विपक्षी सांसदों का हंगामा, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लगाई फटकार। जी आपको बता दें कि विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने गुरुवार को राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर गोगोई जैसे ही शपथ लेने निर्धारित स्थान पर पहुंचे वैसे ही विपक्षी सदस्यों ने शोर शराबा शुरू कर दिया। आपको बता दें शोर शराबे पर राज्यसभा के सभापति एवं
वेंकैया नायडू ने कहा कि ऐसा व्यवहार सदस्यों की मर्यादा के अनुरूप नहीं है। और इसके बाद गोगोई ने सदन के सदस्य के रूप में शपथ ली। आपको बता दें कि नायडू की फटकार के सदन में हंगामा कर रहे विपक्षी सांसदों को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने फटकार लगाई और नायडू ने कहा कि आप संवैधानिक प्रावधानों को जानते हैं, आप उदाहरणों को जानते हैं, आप राष्ट्रपति के अधिकारों को जानते हैं। नायडू ने कहा कि आपको सदन में ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। किसी मुद्दे पर आप अपनी राय सदन के बाहर व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विपक्षी सदस्यों का आचरण पूरी तरह से अनुचित था। प्रसाद ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के कई गणमान्य लोग इस सदन के सदस्य रहे हैं और उन लोगों में पूर्व न्यायाधीश भी शामिल है जिन्हें मनोनीत किया गया था। और नायडू ने कहा कि हमें सदस्य का सम्मान करना चाहिए। आपको बता दें कि रंजन गोगोई की शपथ के दौरान विपक्षी सांसद अपने चेयर से उठकर शेम शेम के नारे लगाने लगे और इसके बाद कांग्रेस के सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। और राज्यसभा में उपनेता प्रतिपक्ष आनंद शर्मा ने कहा कि गोगोई के कई जनहित के फैसले संदेह के घेर में हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी उनके मनोनयन का विरोध कर रही है। और अब जान लेते हैं कि सोने चांदी की कीमतों में आया उछाल, जानिए क्या है आज का भाव। जी आपको बता दें कि भारतीय बाजार में सोने चांदी के दामों में लगातार दूसरे दिन बढ़त दर्ज की गई है और MCX एक्सचेंज पर शुक्रवार को सोना फिर 40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया। और वहीं निचले स्तरों पर सोने में खरीदारी देखने को मिल रही है और चांदी की बात करें तो इसमें भी 2,400 रुपए की उछाल देखी गई है और चांदी अब तक 38,800 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर पहुंच गया है। और वैश्विक स्तर पर दोनों कीमती धातुओं में रही तेजी से स्थानीय बाजार में काफी भाव बढ़ गए हैं। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल औसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।